होगा, व्हाई डू वी सी अ रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेनफॉल। पता है क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है उनका? वो ये पूछ रहे हैं कि भाई जब पानी पानी जब बरस जाता है तो उसके बाद ही आपको स्काई में रेनबो क्यों दिखता है, इंद्रधनुष जो होता है क्यों दिखता है। ठीक है, कह रहे हैं ऐसे नॉर्मली क्यों नहीं दिखता है, जैसे आज पानी नहीं बरसा तो आज तो रेनबो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों? कह रहे हैं कि जब पानी रेनफॉल होता है तो उसके बाद ही रेनबो क्यों दिखता है। तो आपको पता है जब पानी बरस जाता है तो एटमॉस्फेयर में वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है, लटके हुए रहते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स वाटर के अवेलेबल रहते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो वो जो वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वो कैसा बिहेव करते हैं? एज अ प्रिज्म, एज अ प्रिज्म। ठीक है, और आपने प्रिज्म का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही है। ठीक है, तो प्रिज्म में लाइट क्या हो जाती है? डिस्पर्स हो जाती है, मतलब वाइट लाइट जो आती है तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और उसके बाद जो दूसरा फेस होगा प्रिज्म का वहां पर क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जिसको हम इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, बिकॉज हर एक रे का इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है, कुछ का ही इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए हमने यहाँ इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला। और फिर से रिफ्रैक्शन उसका होता है जब वो दोबारा सामने वाले फेस से निकलती है। तो इस तरीके से आपको आसमान में क्या दिखाई पड़ता है? रेनबो। ठीक है, हम इसको अगर शॉर्ट में आपको समझाना चाहें तो यहाँ पे हम डायग्राम बना के आपको बच्चों बता सकते हैं। देखिए, बात समझिए, यहाँ पर कहाँ पे डायग्राम बनाए, देखिए यहीं पे छोटा सा बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो ये एक प्रिज्म टाइप का हमको बनाना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने क्लास नहीं करी है, ठीक है, प्लीज़ वो क्लास करें बच्चों। ये देखिए, ये क्या है? वाटर ड्रॉपलेट है। ठीक है ना, क्लास करिए, वहाँ मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों ये वाइट लाइट आई। ठीक है, ये क्या है आपकी? वाइट लाइट। ओके, और ये देखिए, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये इंटरफेस है, यहाँ क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन होगा ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, थोड़ा सा ऐसे करके बेंड हो जाएंगी, और डिस्पर्शन भी होगा। तो यहाँ 7 कलर्स आपको मिलेंगे, जिसमें वॉयलेट आपको सबसे नीचे और रेड सबसे ऊपर आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो वाइट लाइट है और ये पॉइंट ए है स्टूडेंट्स। पॉइंट ए पे क्या हुआ बताइए? पॉइंट ए पे रिफ्रैक्शन होगा सबसे पहले, क्योंकि ये वाटर और एयर का इंटरफेस है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों? यहाँ पर क्या होता है? यहाँ TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जिसको हम इंटरनल रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो डिस्पर्स्ड कलर है ये वापस दूसरी तरफ एयर में ना जाने की बजाय उसी मीडियम में इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता होगा। ठीक है ना, तो ये ऐसे देखिए, ये ऐसे आ गई लाइट इधर, ये ऐसे, और यहां पर वापस से क्या होता है बताइए? वापस से यहां पर क्या होता है? रिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहां क्या हुआ? यहां हुआ आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और यहां पर क्या होगा आपका? यहां पर होगा वापस से रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लाइट रेज यहां से आ गई, यहां से फिर से यहां पर रिफ्रैक्शन हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहां वॉयलेट आपको नीचे और रेड आपको सबसे ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसको बैक ट्रेस करेंगे, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, तो यहाँ आसमान में आपको विबग्योर दिखाई पड़ेगा, V से R तक, ये विबग्योर ऐसा। तो इंद्रधनुष आपको कहीं ऐसे यहाँ पर रेनबो दिखाई पड़ेगा, उसकी वर्चुअल इमेज दिखाई पड़ेगी। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो बच्चों इसी चीज़ को हम बस समझो, मेन बात ये है कि अगर पानी नहीं बरसा, ठीक है, तो वाटर के ड्रॉपलेट्स नहीं अवेलेबल हैं, तो प्रिज्म ही नहीं अवेलेबल है, तो ये कॉन्सेप्ट, ये सब फिनोमेना कैसे हो पाएगा? कौन सा? पहले रिफ्रैक्शन हो, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, फिर से यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो, और लाइट जो सातों कलर हैं वो हमको उसकी वर्चुअल इमेज यहाँ पे हमको दिखाई पड़े, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा अगर वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होंगे। तो बस सिंपल कि वाटर ड्रॉपलेट्स कैसा काम करते हैं? प्रिज्म का। ठीक, अब इन्हीं सब बातों को लिखना हो तो आप लिख दीजिए, कुछ आंसर हमने आपको दिखाया हुआ है। कह रहा, वी सी अ रेनबो इन द स्काई ओनली आफ्टर रेनफॉल ड्यू टू द डिस्पर्शन बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। ये जो वाटर की छोटी जो ड्रॉपलेट्स रहती हैं ये वाइट लाइट का डिस्पर्शन करती है। डिस्पर्शन मतलब वाइट लाइट को 7 पार्ट्स में क्या करती है? डिस्पर्स कर देती है, फैला देती हैं, बना देती हैं, उसका 7 कलर बना देती हैं। देखो जरा यहाँ पे देखिए डिस्पर्शन हो रहा है कि नहीं, ये देखिए, ये तो हम लिखने ही भूल गए। ये वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ही वाइट लाइट का क्या होता है? डिस्पर्शन, मतलब जो वाइट लाइट है वो 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है ना, तो ये बच्चों ये सब शब्दों का यूज करना एग्जाम में बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि वाटर के जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या करा देते हैं? वो डिस्पर्शन करा देते हैं लाइट के। ठीक है, और ये वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ओके, तो ये सब बातें। उसके बाद हमने लिखा, द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। ठीक है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो स्मॉल प्रिज्म जैसा बिहेव करते हैं, और होगा क्या इसमें? दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट। देखिए, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो प्रिज्म जैसा काम कर रहे हैं, सबसे पहले ये क्या करेंगे वाइट लाइट को यहाँ पर रिफ्रैक्ट करेंगे, देखो ये वाले इंटरफेस पे, उसके बाद क्या कर देंगे? इसका डिस्पर्शन कर देंगे। यही बात हमने लिखा है, दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स। तो रिफ्रैक्ट हमने पहले लिखा है, डिस्पर्स हमने बाद में लिखा है। तो देखिए, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ डिस्पर्शन हुआ, फिर यहाँ क्या होगा? इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो यही बात हम आगे लिखेंगे, क्या?
दे रिफ्रेक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट रे इंसिडेंट सनलाइट, देन उसके बाद क्या होता है, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, यहां पर क्या होता है इसका इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो इसी बात को हमने लिखा है, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रेक्ट इट अगेन। तो यहां पर जब इंटरनली रिफ्लेक्शन हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, तो उसके बाद यहां पर फिर से क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है। तो लाइन से आपको लिखना है, पहले क्या होता है रिफ्लेक्शन, फिर क्या होता है बताइए डिस्पर्शन, डिस्पर्शन के बाद यहां पर क्या होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद यहां पर क्या होता है बताइए, यहां पर फिर से रिफ्लेक्शन होता है। तो यही बात देखिए बच्चों एक बार फिर से पढ़ लीजिए, यही हमने लिखा हुआ, दे रिफ्रेक्ट एंड डिस्पर्स, देखिए रिफ्रेक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, डिस्पर्स का मतलब सेवन कलर्स में डिवाइड हो जाना, ठीक है ना। देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, यहां पर इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है क्या, जो डिस्पर्शन लाइट आ रही है, जो डिस्पर्स लाइट, डिस्पर्शन नहीं डिस्पर्स लाइट जो आ रही है, कौन करता है इसको, वाटर ड्रॉपलेट जो प्रिज्म जैसा बिहेव कर रही है। उसके बाद क्या होता है, यहां पर क्या होता है बताइए, अगेन रिफ्लेक्शन होगा, फाइनली रिफ्लेक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट द रेनबो, रेन ड्रॉप, जब वो रेन ड्रॉप से ऐसे बाहर आती है तो उसको वो वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है, एंड हेंस ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड द इंटरनल रिफ्लेक्शन रेनबो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस आफ्टर रेनफॉल। ओके बात समझ में आई, तो फाइनली हमने क्या लिखा है, एनहेंस ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। मेन यहां पे दो ही कॉन्सेप्ट ने आपको पता है क्या, एक तो रिफ्रेक्शन और एक इंटरनल रिफ्लेक्शन, बात समझ में आई कि नहीं, तो ये बात हमने लिखा है। और हाँ एक क्या, डिस्पर्शन, डिस्पर्शन को नहीं भूलना है, क्योंकि डिस्पर्शन अगर होगा नहीं तो सेवन गर्ल्स आपको कहां से दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो हेंस ड्यू टू डिस्पर्शन, ड्यू टू हमको लिखना चाहिए था रिफ्रेक्शन कॉमा डिस्पर्शन कॉमा डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, हाँ रेनबो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस आफ्टर रेनफॉल। कोई डाउट है बताइए बच्चों, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, इसका जो मैकेनिज्म है पूरा डिटेल में अगर आपको जानना हो रेनबो का, ठीक है, तो प्लीज प्लेलिस्ट फॉलो करिए, वहां हमने आपको बताया, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको दिया हुआ है जहां पे चैप्टर पढ़ाया हुआ है ना, तो यहां पे उसकी डिटेल, क्योंकि दो तरीके के रेनबो होते हैं, एक होता है प्राइमरी एक होता है सेकेंडरी, तो वहां पे हमने आपको दोनों बताया हुआ है, ठीक है ना। इतना क्लास टेंथ में आएगा नहीं, प्राइमरी वाला ही आपके सिलेबस में है, बट हमने वहां पे दोनों एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप अपनी नॉलेज के लिए पूरा मैकेनिज्म वहां पे जाके देख सकते हैं, कर लीजिए।